हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 9 यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट ब्रॉड टॉपिक समझाया गया है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एग्जाम में 3 से 4 नंबर की एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आपको इस टॉपिक पे देखने को मिल सकता है। सो एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करके आना है, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को लिखकर आना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला है यहां फाइनेंस, यानी कि रुपीज, यानी कि वो फंड्स जिनके थ्रू बिजनेस को चलाया जाता है, और दूसरा शब्द है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड इन एडवांस, यानी कि किसी भी फर्म के अंदर वो इंडिविजुअल जो एडवांस में ये डिसाइड करता है कि फर्म को फ्यूचर में कितने फंड्स की जरूरत है, इस पूरी प्रोसेस को ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्लानर ये एस्टीमेशन लगा देता है कि फर्म को फ्यूचर में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, और उसके अरेंजमेंट का काम वो शुरू कर देता है। इस बात का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जैसे इंडिया में टेस्ला मोटर्स एंटर करना चाहती है। तो देखिए, टेस्ला के फाइनेंशियल प्लानर ने कई साल पहले ही इस बात का एक मोटा मोटा एस्टिमेशन लगा लिया होगा कि जब टेस्ला इंडियन मार्केट में एंटर कर रहा होगा तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेट करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी को खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, और इस पैसे का अरेंजमेंट कहां से किया जाएगा, इस बात को कहा जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है दैट प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर में यूज किए जाने वाले या फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाले फाइनेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करके एडवांस में रख लेती है। इस प्रिपेयर्ड ब्लूप्रिंट को ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। अब चाहे ये रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए पड़े या ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए पड़े, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग ही कहा जाएगा। इस बात का बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है इंडिया के अंदर अडानी ग्रुप। देखिए, आए दिन अडानी ग्रुप न्यूज में रहता है कि उन्होंने किसी दूसरे बिजनेस सेगमेंट को एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है, चाहे वो फ्रेंडली एक्वायर किया गया हो या जबरदस्ती हॉस्टाइल एक्वायर किया गया हो, पर उसको अरेंज करने के लिए इन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अडानी ग्रुप का जो फाइनेंशियल प्लानर है वो एडवांस में एक ब्लूप्रिंट बना के रख लेता है कि फर्म को जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी इस तरह से पैसे के सोर्स को अरेंज कर लिया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में। तो ये तो हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि इस तरह का ब्लूप्रिंट बनाने का या इस तरह के एस्टिमेट करने का फायदा क्या है। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा तो 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहलाएगा क्वांटम ऑफ फंड्स, और दूसरे ऑब्जेक्टिव को कहा जाएगा टाइम ऑफ फंड्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल प्लानर है वो जब फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो वो क्वांटम ऑफ फंड्स को भी चेक करेगा। यानी कि इसमें ये देखा जाएगा कि फर्म कितना आइडल फाइनेंसिंग अरेंज कर रही है। देखिए, जब भी फाइनेंस अरेंज करने की बात होती है, जाहिर सी बात है, या तो पैसा डेट से लिया जाता है या पैसा इक्विटी से लिया जाता है। देखिए, फंड चाहे डेट से लिया जाए चाहे इक्विटी से लिया जाए, वो पैसा होना आइडल फाइनेंसिंग चाहिए। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वायरमेंट से ज्यादा फंड को अरेंज कर लिया तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत गलत बात होगी। लेकिन उसी तरह से अगर फाइनेंशियल प्लानर ने फंड अरेंज किया और ये फंड कम अरेंज हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो पेमेंट करने के प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है। इसीलिए जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी तो क्वांटम ऑफ फंड्स यानी कि आइडल फाइनेंसिंग ही अरेंज की जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा टाइम ऑफ फंड। देखिए, जब भी फाइनेंशियल प्लानर प्लानिंग करता है या ब्लूप्रिंट या एस्टीमेशन बनाता है वो टाइम ऑफ फंड को भी देखेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को किस पर्टिकुलर ईयर में, किस पर्टिकुलर मंथ में, किस पर्टिकुलर डे पे और किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, इस बात का मोटा मोटा आइडिया लगाने का काम भी फाइनेंशियल प्लानर का है। अब एज ए स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि इतना स्पेसिफिकेशन कैसे लिया जा सकता है। तो देखा, इतना स्पेसिफिकेशन लेना बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेटर से पैसा कब आने वाला है इस बात का आइडिया लगा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने बिल रिसीवेबल्स पे लिखी हुई डेट से भी आइडिया लगा सकती है कि काफी हद तक पैसा किस पर्टिकुलर सोर्स से, किस पर्टिकुलर मंथ और किस पर्टिकुलर डे पे आने वाला है। इसलिए टाइम ऑफ फंड बहुत जरूरी है।
क्या हुआ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का फंड आने वाला था लेकिन वो टाइम से नहीं आया, वो फंड एक दो महीने लेट हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो कमिटमेंट्स हैं, जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है। इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे पहली हेडिंग बनेगी, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल प्लानर होता है, उस प्लानर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फोरकास्टिंग क्रिएट करना है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्लानर है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके देख लेता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी अकाउंटिंग डेटा है, उस अकाउंटिंग डेटा का भी एनालिसिस कर लेता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, किस पर्टिकुलर ईयर, किस पर्टिकुलर मंथ में पड़ने वाली है, इस बात की फोरकास्टिंग वो लगभग पहले ही कर लेता है, क्योंकि इस बात के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश फ्लो प्रिपेयर करके रख देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है मनी कंट्रोल। देखिए, मनी कंट्रोल को ओन करती है रिलायंस। अब रिलायंस देख रही है इंडिया के अंदर काफी सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिया के अंदर काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, और स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए मनी कंट्रोल जैसा बढ़िया प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं है। यानी कि बढ़ते हुए ट्रेडर की, बढ़ते हुए नए फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए मनी कंट्रोल जैसी ऐप को फ्यूचर में अपडेट करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो रिलायंस का जो फाइनेंशियल प्लानर है, वो ये एस्टिमेशन लगा लेगा, वो इस बात की फोरकास्टिंग कर लेगा कि फ्यूचर में मनी कंट्रोल ऐप में नए नए फीचर्स और नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इंफॉर्मेशन को ऐड करना जरूरी है, जिससे ट्रेडर को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो इस बात के लिए पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस बात के लिए वो फोरकास्टिंग पहले ही कर लेगा कि फ्यूचर में मनी कंट्रोल को अपडेट करना पड़ेगा। इस बात के लिए फंड्स का अरेंजमेंट पहले ही कर लिया जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट पहले ही बना लिया जाएगा। तो ये हुआ पहला पॉइंट, दैट इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। दूसरी इंपॉर्टेंस होगी, इट अवॉइड्स बिजनेस शॉक्स। यानी कि जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्लानर पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके चलेगा। इस बात का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए इंडिया में चल रही टेलीकॉम इंडस्ट्री की डियोपॉली, यानी कि एयरटेल और जियो की जो फाइट चल रही है, उसमें एयरटेल एक नई स्कीम लेकर आ जाता है, एक नया एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से जियो का मार्केट शेयर कुछ परसेंट कम हो जाता है। तो यहां पर ये जो बिजनेस को शॉक मिल रहा है, इस होने वाले शॉक की सिचुएशन को संभालने के लिए फाइनेंशियल प्लानर पहले से इंपॉर्टेंस बना के रखेगा, पहले से ब्लूप्रिंट और फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके रखेगा। इस बात का बढ़िया एग्जांपल इस बात से लिया जा सकता है कि इंडिया के जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है, वहां पर जब पेपर बोट जैसे स्टार्टअप ने एंटर किया था, या यूं कहूं कि अभी रिसेंटली रिलायंस जो अपना कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया है, जिसकी वजह से इंडिया में पेप्सी और कोको कोला को एक काफी टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस को लगने वाले शॉक से बचाने का काम भी कौन करता है? फाइनेंशियल प्लानर करता है। बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, दैट फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बनती है लिंक बिटवीन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल प्लानर है, वो प्लानर आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट टाइम पीरियड और फ्यूचर टाइम पीरियड के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है। वो ये बता देता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसका अरेंजमेंट पहले से कर लिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में होने वाली रिक्वायरमेंट की भरपाई पहले से की जा सकती है। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के पॉइंट नंबर फोर की, तो पॉइंट नंबर फोर बनेगा, इट लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है फर्म कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि फर्म पैसा कहाँ से अरेंज करना चाहती है। तो फाइनेंशियल प्लानर ऑर्गेनाइजेशन में वो इंडिविजुअल है जो ये डिसाइड करता है कि फर्म पैसा कहाँ से अरेंज करेगी, डेट से अरेंज करेगी या इक्विटी से, शॉर्ट टर्म से अरेंज करेगी या लॉन्ग टर्म से, और इस पैसे को अरेंज हो जाने के बाद उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया जाएगा या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि
अगर पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उस पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो ज्यादा हो, और फाइनेंसिंग डिसीजन में जो फंड अरेंज किया गया था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कम होना चाहिए, यानी कि आपका खर्चा कम होना चाहिए और इनकम ज्यादा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान भी रखेगा आपका फाइनेंशियल प्लानर। तो उम्मीद करूंगा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक समझ में आया। वीडियो को लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।